कि ये एड्रेस नंबर चली है उसको नाले का प्रॉब्लम है, नाला जो है वो पानी बाहर जा रहा है, रोड पे जा रहा है, लोग नमाज पढ़ते हैं, हमारे जब बारिश होते हैं तो हमारे घर में पानी आ जाता है, टेंकी में पानी जाते हैं, हम लोग मलक इतवार के पास कितनी दफ़ा गए हैं के पास, उसने कोई हमारी बात ही नहीं सुनी, नाले का प्रॉब्लम है हमारा। और एक अभी जिस तरह इस भाई ने बात की है कि गन का इशू है, गन का ना कोई उधर डस्टबिन है, सब लोग नाली पे गन फेंकते हैं, मोहल्ला भी सारा गंदा हो जाता है, तो अगर ये 10 नंबर गली का जो नाला है स्कूल रोड तक ये बन जाएगा तो अच्छा है। मैंने अपने नाले के बारे में अपने वासी साहब को बताया था और उन्होंने कहा कि मंडे को इंशाल्लाह ताला कल मंडे आ जाओ इसको हो जाएगा। और तो भाई को क्वेश्चन करना चाहते हैं जी, बोले मैं जी बोल जल्दी मगरब का भी काम नजदीक है, शॉर्ट करना है। अस्सलाम वालेकुम, पीटीआई को रजिस्टर के मुबारकबाद। हमारे कब्रिस्तान की फीस है 500 रुपया पर मंथ जाती है, उस कब्रिस्तान में कोई सिलाई काम नहीं हो रहा, सिर्फ एक वो जनाजा का बजी है, ठीक है, उसके बाद जो सा ना कमरे बैठ नहीं है, पानी कोई निकासी नहीं है किसी किस्म, 500 रुपया पर महीना जो सा हर घर से लेते हैं वो किधर, ठीक है, वो कब्रिस्तान का क्वेश्चन उन्होंने कर दिया था, जब वही है कब्रिस्तान का हो गया था। तो अभी मैं जनाब भाई साहब को तो काफी क्वेश्चन बैठे होंगे, थोड़ा सा बात करते हैं। मैं सबसे पहले आप अपनी स्पीच स्टार्ट करने से पहले एक थोड़ा सा क्वेश्चन है, वो ये है कि जो चीज़ है ये सारे मीनू सेल्ट अपनी जगह, जो हॉलैंड में सलम के ख़िलाफ़ जो हाथी तैयार होने जा रहे, जो अगले मंथ में मेरी के हमने सुना है कि पूरी दुनिया में वो भेज दें, असम्बली में भी बात हुई है, इमरान खान साहब ने भी इस पर एक कंप्लेन चलाई है जो मज़ीद मतलब स्टार्ट होने वाली है, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप असम्बली में भी इस इशू को उठाएँ, ठीक है, और इसके हवाले से भी कोई नजरिया दें। मैं सबसे पहले मोहल्ला का जितने मेरे सामने इधर बैठे हैं, पेशवे न्याज का, हाजी हमीद साहब का, हमारा एक शेर इधर बैठा था इमरान शायद मेरे घर में निकल गए, उसके अलावा हाफिज साहब का, नसीम साहब का, बैठे इनका और तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करने के लिए आज आपके पास आए, आप लोगों ने वोट दिया, इज्जत दी, इत्मीनान किया और इंशाल्लाह ताला पूरी कोशिश करेंगे कि आपके इत्मीनान के ऊपर पूरा उतरे और उसकी वजह सिर्फ ये है और मुझे पूरी उम्मीद है कि अल्लाह ताला उसमें हमारी मदद भी करेंगे, क्योंकि हमारी नीयत भी सच्ची है और सोच भी ठीक है, क्योंकि हमें जिस लीडर को फॉलो किए इतना अर्सा उसने हमें सिर्फ एक ही घुटी में चीज डाली है कि सच बोलो झूठ ना बोलो और लोगों की खिदमत करना है, अगर ये शासन करनी है तो फिर लोगों की खिदमत के लिए और जो असल मायनों में खिदमत है वो करके दिखाई। तो मैं अब आता हूँ सवालों की तरफ, सबसे पहले मेरे भाई ने सवाल किया तो मैं आपको बता दूँ कि जो पहली करारदाद पंजाब असम्बली ने पास की यूनानिमसली वो इन्हीं हाथों के खिलाफ थी, तो वो जो असम्बली में आवाज़ उठानी थी जिस दिन हलफ हुआ उस दिन सबसे पहला, उसके बाद स्पीकर का इलेक्शन के बाद पहली करारदाद जो है वो हॉलैंड के शख्स के खिलाफ जो है उसके इशू पे, तो वो ऑलरेडी हम करारदाद मंजूर कर चुके हैं सिफारती ताल्लुक तोड़ने के लिए, फेडरल जो हमारी नेशनल असम्बली है उसको वो करारदाद की कॉपी भी भेज चुके हैं कि हॉलैंड के साथ तमाम सिफारती ताल्लुक खत्म किए जाएं जब तक वो इस चीज़ को रोकते नहीं और इस चीज़ के लिए माफी भी मांगते हैं। दूसरी बात, मसाइल का एक बहुत बड़ा अंबार है कब्रिस्तान के जो मसाइल जिनकी आपने बात की, इंशाल्लाह ताला वो जो 20 कनाल जमीन घूमी हुई है उसको ढूंढेंगे, पता करेंगे वो गई किधर से और उसको बाग गुजार कराएंगे, क्योंकि वो कब्रिस्तान की जगह इंशाल्लाह कब्रिस्तान के लिए होगी, ना तो हम कब्जा ग्रुप है, ना हमने ज़मीनें खानी है, ना राज साहब हमने कोई इस तरह की चीज़ करनी है, तो इंशाल्लाह आप यकीन रखें कि जो काम सही होगा वो इंशाल्लाह करके दिखाएंगे। दूसरा मसला पानी के हवाले से, मैं हमेशा अपनी तकरीरों में भी कहता रहा, आज भी आपको एक चीज़ कह रहा हूँ कि पानी वाले मसले पे आप लोगों ने थोड़ा सा हिम्मत का मुजाहरा करना है,
पानी जब तक हम खानपुर को गाजी भरोसा से एक्सटर्नल लाइन नहीं देते पानी का मसला हल नहीं हो सकता, क्योंकि खानपुर सिर्फ बारिश के पानी के ऊपर चलता है, उसके अलावा उसका कोई एक्सटर्नल सोर्स ही नहीं है उसको पानी देने का। ठीक है, तो इसलिए और वो 1.5 साल का प्रोजेक्ट है, उसकी टेक्निकल टीम से मैं मिल चुका हूँ, वो सारी मैं फिजिबिलिटी देख चुका हूँ, 1.5 साल का वो प्रोजेक्ट है। इंशाल्लाह ताला एज सून एज पॉसिबल, जैसे ही असम्बलियाँ तो बन चुकी हैं, जो कैबिनेट्स हैं वो आज बनी गाला में इजलास जारी है, मुतबिका जो हमारे वजीर हैं वो भी वहाँ पर मौजूद हैं। इंशाल्लाह ताला जैसे ये कम्प्लीट होगा, इंशाल्लाह मैंने आप लोगों से वादा किया था मेरी जो पहली स्पीच होगी वो पानी के मसले पर होगी इंशाल्लाह ताला, और आप देखेंगे कि पहली स्पीच में पानी के मसले पर इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में करूँगा, और ये वाला जो प्रोजेक्ट है इसको हम जल्द अज जल्द जो है वो शुरू करवाएंगे। उसके बाद तीसरा मसला सफाई का, इसमें कोई शक नहीं है कि सफाई, जैसे मेरे भाई ने कहा कि सफाई के मामले में सिर्फ कंटोनमेंट की गलती नहीं, उसमें हम लोगों की भी गलती है, हम लोगों को थोड़ा सा अपने तर्ज अमल को तब्दील करना पड़ेगा। हम लोग भी बस कूड़ा बांधते हैं ना, तो अपना घर छोड़ के साथ वाले के घर के सामने जो है ना, उससे आगे हमारी इतनी हिम्मत नहीं होती कि हम जाके तो उसको करें। उस हवाले से मैंने एक प्लान सोचा हुआ है, मेरी कल सीईओ के साथ मुलाकात है, उस हवाले से मैं उसके साथ बैठूंगा, उसके साथ इस प्लान को तब्दील देंगे। वो प्लान ये है कि हम हर जो गली है उसके स्टार्टिंग और उसके एंड के ऊपर ये जो बड़ी वाली है जो कचरा दान है, इनका कोई फायदा नहीं है, एक तो इनको खाली करना बड़ा मुश्किल है, तो हम वो जो छोटी टोकरियाँ होती हैं जो दीवार के साथ फिक्स होती हैं और उनके अंदर एक ब्लैक जो बड़ा गार्बेज बैग होता है वो रखा जाएंगे, और कोशिश की जाएगी एज अ सोसाइटी कि हम छोटे शॉपर इस्तेमाल करने की बजाय अपने घरों में वो एक काला बड़ा बैग रखें। मेरे ख्याल में वो एक बड़ा बैग जो है ना, वो अगर हम पूरी कोशिश भी कर ले, हिम्मत भी कर ले, तो भी वो एक दिन में एक पूरे घर का वो गंद उसमें इकट्ठा नहीं होता। उस बैग को कैरी करना आसान है इनके लिए भी, जो कंटोनमेंट के स्वीपर्स वगैरह आते हैं, और हम लोगों के लिए भी आसान है कि एक बैग को उठाया और वो पता कि अगले के घर के बाहर नहीं रखना। छोटे छोटे शॉपरों में तो ये ना भर के साथ रख देते हैं उस काले बैग। बहरहाल ये मैं सारा कल सीईओ के साथ बैठ के इसके ऊपर पूरी इंशाल्लाह डिस्कशन करके, और मुझे उम्मीद है कि हमें इसका, क्योंकि वेस्ट मैनेजमेंट पूरी दुनिया में एक सब्जेक्ट है। हम लोगों का मसला ये है कि हमारे इतने माशाल्लाह काबिल और अहल किस्म के हमारे हुक्म, उन्होंने कभी इसके ऊपर तवज्जो नहीं दी। अदरवाइज ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। मैं नॉर्वे में रहूँ, नॉर्वे का पूरा पानी जो है वो कचरे पे गर्म होता है, पूरा नॉर्वे का पानी कचरे पे गर्म होता है, और यहाँ पर ये हाल है कि हमें ये नहीं पता कि हमने कचरे का करना क्या। तो इंशाल्लाह ताला ये चीज़ें, लेकिन इन पर थोड़ा टाइम लगेगा, एक दिन में आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि ये सारी चीज़ें जो है ना वो ठीक हो सके। उसके बाद राज साहब ने बात की है स्कूल और हॉस्पिटल की, हॉस्पिटल के अभी जी टी एस का कितने अर्से कब्जे में था, बहुत अर्सा हो गया, कितने दिनों में कब्जा छूटा है। तो ये जहाँ पे बिल्डिंग है वहाँ पे काम होते हैं अल्लाह के फजल करम से, तो अल्लाह खड़ा करा करके वो जगह हमारे पास आ चुकी है। उसके अलावा आपने जिक्र किया, अभी रात को मैं और सरदार साहब उसी जगह पे जो है ना वो 8 कनाल का एरिया जो उसके साथ है, उसका फर्द हाजी दौद साहब से हमने कहा है कि वो हमें दें, इंशाल्लाह ताला जी वो बच्चों का स्कूल बनेगा। उसके अलावा ईवान सदर का एक प्लॉट है, उसके ऊपर पार्क और या स्कूल दोनों में से कोई एक चीज़ इंशाल्लाह बनाएंगे। आप देखेंगे आपको पता चलेगा कि जब आपने ऐसे लोगों को जिनका विजन है उनको जब आपने सब्जियों में भेजेगा आपको काम नजर आएगा इंशाल्लाह के से। आप लोगों से सिर्फ गुजारिश ये है कि थोड़ा सा आपने हौसला रखना है, एक तो अपने एमपीए मेले को काम करने देते हैं। मैं पिछले 20 तारीख को मैं वापस आया लाहौर से, उस दिन से लेकर अभी तक मैं सिवाय जनाजे पढ़ने के और लोगों की शुक्रिया अदा करने के अलावा मैंने कुछ नहीं किया। असम्बली से कुछ किताबें लेके आए हूँ जिनका पढ़ना बड़ा ज़रूरी है, अभी तक मुझे वो किताब खोलने का टाइम नहीं मिल सका। 2 बजे रात में घर जाता हूँ, या किसी का झगड़ा खत्म हो रहा होता है, किसी की लड़ाई चल रही होती है, किसी का जनाजा है, तो आप लोगों ने थोड़ा सा मुझे टाइम देना है ताकि मैं इन चीज़ों में अगर किसी जगह पर मैं मेरी कोशिश होगी मैं हर जगह पर पहुँच, लेकिन अगर किसी जगह पे ना पहुंच सकूं तो ये समझ लीजिएगा कि मैं आपसे, मेरा सिर्फ एक बात है वो मैं पहले भी करता था, एक तो आपको कहीं पे ये सुनने को नहीं मिलेगा कि उमर कहीं पे किसी एक रुपए की भी करप्शन में इन्वॉल्व है, कहीं पे उसने किसी के साथ ज्यादती की, ठीक है। सिर्फ ये है कि
अब मेरी सोच ही ऐसी नहीं है कि इस तरह का कोई काम हो। और दूसरी चीज़ ये कि अगर मैं कहीं पे कोई भी काम करूँगा, आप लोगों से ये वादा है कि ये अभी जो 5 साल आपने मुझे लगी है, मैं इंशाल्लाह ताला दिन रात आप लोगों की खिदमत के लिए काम करूँगा। तो इसलिए अगर कहीं पर ना पहुँच सकूँ, जिस तरह अभी आमिर कैनी साहब है, मैं अक्सर दोस्तों को देख रहा हूँ, वो हमारे PMLN के दोस्त हैं, जिनके अब ज़ाहिर उन्होंने अपोजिशन करनी है तो उन्होंने लगाना शुरू कर दिया जी NA61 के उम्मीदवार जो हैं वो मिल नहीं रहे, मुलाकात नहीं हो पा रही, उनसे बात नहीं हो पा रही। तो सबसे पहले तो ये याद रखें कि खान साहब ने तमाम अपने वजीरों को ये ऑर्डर दे दिया कि जो 9 बजे के बाद दफ्तर में नहीं पहुँचेगा, बायोमेट्रिक आके अपनी हाजिरी नहीं लगाएगा, उसको 1 घंटा बाहर खड़ा होना पड़ेगा। और उसके बाद अगर वो कुछ अरसा इसी तरह की रूटीन लगता है तो उसको पहले शो कॉज नोटिस और उसके बाद वजारत से फारग की काउंट कर दिया जाए। तो ये हमें थोड़े से ट्रेंड्स को बदलना है। हम लोगों ने बड़ी गलत रस्म डाल ली हुई है कि MPA MNA, मैं अक्सर अपनी तकरीरों में भी कहता था कि लोगों से मैं पूछता था कि वोट क्यों देते हो, इकरार इफ्तार को तो जी साढ़े जनाजे के उत्ते आ गए, आधा घंटा पहले क्यों हो जाते हैं शादियाँ दी वो इंशाल्लाह ताला वो मैं ये उनको जवाब देता था जी जे थे और जनाजिया थे शादियाँ आते शादियाँ चार चाल जे थे साढ़े काम का क्योंकि इस वक्त जो मैंने ये जो पिछला सारा टाइम देखा है PMLN के हमारे दोस्त हैं, मैं नाम नहीं लेता हूँ, उसमें ऐसे लोगों की बात की जिनके अपने किराए आए जी लोग जी गाड़ियाँ चलती हैं, मतलब हर हकदार तक उन्होंने उसका हक नहीं पहुँचाया, हमारे बेशुमार लोग हैं। ठीक है, फिर दूसरा काम हमने क्या शुरू कर दिया कि जुकात का चेक आया 50,000 का है, 5,000 हमें दो और 35,000 जो है वो नहीं लो। तो इसलिए बरए मेहरबानी ज़कात के लिए ऐसा बंदा दे जिसके दामन पे दाग ना हो, जो खुद ज़कात देता हो, ताकि कोई शख्स देखे ये आखिरत भी है कि आनी है, हमने सबने कब्र में भी जाना है। तो इसलिए ये आप लोगों की जिम्मेदारी है, जहाँ पे वो बंदा जिसकी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व पाया गया, जहाँ मुझे पता चल गया, तो मैंने पहले भी कहा है, दोबारा आपसे कह रहा हूँ कि जहाँ पे कोई शख्स किसी गलत चीज़ में इन्वॉल्व पाया गया, मैं उसके खिलाफ जितना मेरे भी जोर होगा मैं वो कार्रवाई करना छोड़ूंगा। और मेरे से कोई एक्सपेक्ट ना करे कि मैं किसी गलत चीज़ में किसी भी शख्स का साथ दूँगा, मुझे फ़ोन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको सफेद जवाब आगे से मिलेगा कि भाईजान इस काम में हम आपके साथ थे। ठीक है, तो बाकी जहाँ पर जो मजमूम है उसके साथ हम खड़े हैं, इंशाल्लाह ताला और आइंदा भी खड़े रहेंगे। आप सब दोस्तों का बेहद शुक्रिया, क्योंकि रह गई बात आपकी जो आपका इंडिविजुअल काम है, फाइल लेके आए मेरे पास, हमें आवन जो मेरे से रोज में कम नहीं करता, पानी का मसले की बात कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं, मुझे पता है कि सब ये जो बाल खराब है अच्छा, दूसरा ये है कि कब्रिस्तान कमेटी के चीज़ है वो आपके सामने आपके बाद कमेटी के चीज़ है वो आपके सामने आपके हम जैसे आप नाम मांगेंगे हम इंशाल्लाह पूरी ईमानदारी के साथ आगे इससे पहले कि मैं आपको बात हूँ याद ही ना बच्चे बाहर कट दो बेहतर है वो कमर तो एक बंदे को रेस्ट नहीं किया था, मैंने सारे प्रूफ दिया था, लेकिन पिछले 6 महीने से मुझे मैंने डिपार्टमेंट के बने थे उनका पहले थे उनको छोड़ दिया, तो अगर टाइम नहीं हेल्प कर सकें तो लास्ट इंस्पेक्टर था उसका मेरे पास आई है, तो मैं आपको दे देता हूँ।
میں پاکستان والی میں موجود کریم ڈاکٹر صاحب آپ کو میری بات پیش کرتا ہوں. پہلے سب سے پہلے ہم یہ کہ آپ سے کچھ چار لوگ بات ہوئی ہے لیکن اس بات سے جڑتا ہوں کیسے سے پہلے ہماری گفتگو جی ہمیں بتایا جاتا ہے بتا سکتے ہیں ہمیں پاکستان والی تحریک نے تحریک صاحب کے ساتھ میں جو ہے رن کیا تھا اس کے آس پاس آپ کی آپ کے جو کہنے کا مجھے موجود ہے مطلب مزاحیہ بات کر رہے ہیں تو مسائل تو بے شمار ہیں لیکن ابھی ہم آپ کو اتنا تنگ نہیں کریں گے اتنے پریشان نہیں کریں گے. چھوٹے مسائل ہیں ابھی سات سال انشاء آپ کا تعاون رہا اور مقامی جو آپ کے عہدیداران ستاون رہا ان شاء اللہ سارے مسائل پر مل کے اس کو حل کریں گے. تھوڑا سا ایشو آ رہا ہے پانی کا آ رہا ہے جو بعد میں ٹائم پانی کی تھی بڑے عرصے سے جو بند تھی لائن خان پور ڈیم سے آ کے بڑی لائن تھی دو فٹ کی لائن تھی تو وہ خود ہی پانی جب وہ مٹی ہٹی کو لائن باہر نکلے لوگوں نے اپنی مدد آپ کے آگے موزر لگا کے پانی بہت زیادہ آبادی اس کو مستفید ہو گئی تھی پانی بھرنے میں. الیکشن سے پہلے پٹواریوں نے کیا کہ اس پہ اپنے ایک آبادی کو بنوانے کے لیے ووٹیں لینے کے لیے اس لائن سے اس لائن کو بند کر کے اس آبادی کو دے دیا کنیکشن دے دیا پانی کے لیے. اس کا نقصان یہ ہوا کہ نہ اس آبادی کو پانی بند کر محلے کے لوگ تھے جو بہت زیادہ تعداد میں لوگ کہہ رہے تھے آج ناصر صاحب نے وزٹ بھی کیا سردار ناصر صاحب نے وزٹ بھی کیا کہ شکریہ میں نے سر گزارش ہے کہ اگر یہ تو اس کے پرانی حالت میں بحال کر دیا جائے نہیں ملے لوگ تھوڑے میں چاپر کھا کے یہاں باہر بھی پھینکتے ہیں وہ گلی کے اوپر بھی پھینکتے ہیں سامنے پاکستان اس کے اوپر بھی پھینکتے ہیں دو مارے ہوتے ہیں بچے پہلو کے ٹھہرے ہوتے ہیں تو یہ سب سے پہلے جو پھینکے جو رام کا جو ہے تھوڑا سا بات کریں اس کے بچے جو کینٹونمنٹ والے باہر بھیج دیے جاتے ہیں آ کے دھو کے چلے جاتے ہیں نہ اندر گلی میں کوئی جاتا ہے چھوٹی گاڑیوں میں رکھی ہوئی ہے تو اس طرح کا سسٹم بنائے جا کے پاکستان میں نیچے گلیوں میں آ گئے یہاں نیچے کوئی بات پڑے ہوں لوگ جا کے پورا یہاں گلی محلوں میں یہ کوئی نالی میں پھینک دے گا یہاں نالی بند ہوتی ہے ایک نالی بند ہو جائے تو پوری گلی بند ہو جاتی ہے پاکستان کے ساتھ نالے پاکستان کے ساتھ نالے میں پھینک دے گا نالا بند ہو جائے تو پیچھے سے ساری گاڑیاں لگ جاتی ہیں. یہ ذرا اس کے اوپر تھوڑی بڑی اور دوسری میری ایک چھوٹی سی اگر آپ ریکویسٹ مان لیں کہ ہمارے یہ چھوٹے بڑے بچے ہیں یا ہمارے اس علاقے میں نہ آج تک مان لو کہ بہار ہیں تو غیرت بھی ملے لوگوں نے بچوں کے لیے کبھی کوئی پارک بنایا نہ کوئی جیسا کوئی گراؤنڈ بنایا کہ یہ بچوں کے لیے جو ہے چھوٹا سا پارک نہیں کرے باقی ہمارے لیے حکومت کا بھی بات کرنی ہوتی ہے Thank you.
لیڈر نے یا اللہ اسی ورکر نے یا اللہ تو یا اللہ اسی بھی اس نے دیکھ کے چل سکی ہے یا اللہ حق اور سچ کی گل کر یا اللہ بنوا اللهم صل على محمد وبارك وسلم عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.